घायल शेर की तरह इजराइल एक बार फिर हमास पर हमले करता नजर आया। हमास के खिलाफ जंग के सातवें दिन इजराइल ने उसके ठिकानों पर ऐसी बमबारी की, उसकी आतंकी सोच और खौफ का साम्राज्य स्थापित करने की मंशा के परखच्चे उड़ गए। इजराइल की फौज ने इसका वीडियो सबूत भी पेश किया, जिसमें नजर आया कि कैसे हमास के ठिकानों पर एक एक कर बम गिराए गए और उन्हें जमींदोज कर दिया गया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि उसने फिलिस्तीन और ईरान समर्थित आतंकी संगठन हमास के 5 ठिकानों पर मिसाइल हमला किया, जबकि इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने हमास के 750 ठिकानों पर बमबारी की। इस बमबारी में हमास के नेताओं और आतंकियों के ठिकानों के साथ उनके छिपने के लिए बनाई गई सुरंगों, कमांड सेंटर्स और हथियारों के गोदामों को तबाह कर दिया गया। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल की वायुसेना बड़ी तादाद में जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट से लैस MK-84 बम तैयार करती नजर आई। बताया जा रहा है कि इन्हीं बमों के जरिए वो हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें धूल में मिला रही है। इसके अलावा इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में हमास के 2 आतंकवादियों की मौत भी हुई। बताया जा रहा है कि गाजा में हमास के मॉनिटरिंग सेंटर पर बमबारी के दौरान ये दोनों आतंकी मारे गए, जबकि इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हमास के खूंखार आतंकियों में शुमार यहाया सिनवर के एक अहम ठिकाने को भी मलबे में तब्दील कर दिया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर घात लगाकर हमला करने की साजिश रचने वालों में यहाया सिनवर भी शामिल है, लिहाजा इसराइल ने गाजा स्थित उसके और उसके भाई के छिपने के अड्डे को धूल में मिला दिया। जानकारी के मुताबिक ये हमास का सीक्रेट अड्डा था, जहां याहिया और उसका भाई छिपा करते थे। על המתקפה המתועבת הזו החליט יחיא סינואר הריבון ברצועת עזה, ולכן הוא וכל המערכת שתחתיו הם בני מוות. याहिया सिनवर गाजा पट्टी में हमास का प्रमुख है। हमास की मिलिट्री विंग इज्जद्दीन अल कसम ब्रिगेड का सह संस्थापक है। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों ने हमास के एक सैन्य ठिकाने पर भी कब्जा कर लिया। हमास के सैन्य ठिकाने पर कब्जे से जुड़ा वीडियो भी इजरायल की सेना ने जारी किया है, जिसमें इजरायली सैनिक और हमास के आतंकियों के बीच गोलीबारी होती नजर आई। इजरायली सैनिक और हमास के आतंकियों के बीच कई घंटों तक फायरिंग हुई, जिसके बाद इजरायली सेना ने हमास के सूफा आउटपोस्ट सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया। इस एनकाउंटर में हमास के कई आतंकी मारे गए और हिरासत में लिया गया, जबकि इजरायली सेना ने दावा किया कि इस दौरान हमास के कब्जे से कई बंधकों को भी छुड़ाया गया। गाजा पट्टी पर हमास से जंग के बीच इजरायल की सेना वहां घुसने की तैयारी करती दिखी। सैकड़ों की तादाद में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सेना की पैदल टुकड़ियां गाजा बॉर्डर पर तैनात नजर आईं। यही नहीं, इजरायल ने नॉर्थ गाजा के लोगों को 24 घंटे में इलाका खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। इजरायली सेना ने कहा कि गाजा पट्टी के आम लोगों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। IDF को हमास के आतंकियों और उनके मददगारों से दिक्कत है, जिनके खिलाफ IDF सख्त कार्रवाई करने जा रही है, इसलिए नॉर्थ गाजा के आम लोग इलाके को फौरन खाली कर दें। That there are civilians here whom are not our enemy and we do not want to target them. We are asking them to evacuate so that we will be able to continue to strike military targets belonging to Hamas in the Gaza Strip. हालांकि इजरायली सेना ने ये भी माना कि इतनी जल्दी लोग गाजा पट्टी छोड़कर सुरक्षित इलाकों की ओर नहीं जा सकते, ऐसे मानवीय संकट को दूर करने में वक्त लग सकता है। यही नहीं, इजरायली सेना ने संयुक्त राष्ट्र को इस बारे में जानकारी देने की बात भी कही। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने गाजा पट्टी से लोगों को बाहर निकलने को लेकर दिए गए आदेश के बारे में UN को जानकारी दे दी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने नॉर्थ गाजा को खाली करने के आदेश पर इजरायल के सीनियर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग लिया।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायली राजदूत गिलाड एर्दान से स्पष्टीकरण मांगा। एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायली अधिकारियों को दो बार फोन किया और पूछा कि ये आदेश कैसे लागू हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे असंभव करार दिया और विनाशकारी मानवीय परिणाम की आशंका जाहिर की, जिसके बाद इसराइल की भी भौहें तन गईं। यूएन में इसराइल के राजदूत गिलाड एर्दान ने कहा कि यूएन ने गाजा में हमास के हथियार छिपाने से लेकर निर्दोष लोगों की हत्या पर आंखें मूंद रखी हैं, लेकिन अब इसराइल के साथ खड़े होने के बजाय वो इसराइल को ही उपदेश दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र को इसराइली बंधकों को हमास के चंगुल से वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि इन सब के बीच गाजा में मानवीय संकट गहराता नजर आया। इसराइल की ओर से किए गए हवाई हमलों के बाद गाजा शहर मलबे में तब्दील होता नजर आया। इमारतें जमींदोज हो गईं, मकान तबाह हो गए और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। गाजा में 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली हमले के बाद एक चश्मदीद ने गाजा की ताजा तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई, जिसमें इजरायली एयर स्ट्राइक से एक इमारत औंधे मुंह गिरी नजर आई और लोग मलबे में दबे अपनों को तलाशते दिखे। ये मंजर इतना भयावह था कि किसी की भी रूह कांप जाए। चारों तरफ मलबा ही मलबा था, चीख पुकार मची थी जबकि लोग मलबे में दबी जिंदगियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। यही नहीं, गाजा के लोगों ने बताया कि कैसे हमास के हमले के बाद से उनकी जिंदगी दोजख बन गई, कैसे उनका सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा पट्टी से 338,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। यही नहीं, पिछले 24 घंटों में विस्थापित लोगों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। गाजा पट्टी की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन आतंकी संगठन हमास लगातार इसराइल को भड़काने का काम कर रहा है। हमास ने एक बार फिर इस विनाशकारी जंग की आग में घी डालने का काम किया। आतंकी संगठन हमास ने गाजा को लोगों से इसराइल का अल्टीमेटम न मानने की सलाह दी। हमास ने लोगों से कहा कि वो गाजा छोड़कर ना जाएं। हमास ने इसराइल की चेतावनी को प्रोपेगेंडा बताते हुए बयान दिया कि गाजा में फिलिस्तीनी फिर से अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास दो विकल्प है, इसराइल को हराना या अपने घरों में ही मर जाना। दम घोटू घेराबंदी का नतीजा था जिसे गाजा ने 17 साल तक झेला था। हमने इस खुली जेल से बाहर निकलने की कोशिश की है, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज उठाने की कोशिश की है। वहीं गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंकों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। एक लाइन में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गाजा की तरफ कूच करने को तैयार नजर आईं। इजरायल की सेना गाजा बॉर्डर की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये टैंकों का मूवमेंट यहां पर देख सकते हैं। युद्ध का मैदान है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यही नहीं, इसराइल ने हमास को कहा कि वो जब तक इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ेगा तब तक गाजा के लोगों को ना बिजली मिलेगी, ना पानी और ना खाना। इसके अलावा इसराइल की सेना ने हमास के ठिकानों पर हमले भी तेज कर दिए। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी में आम लोगों के घरों की छतों पर बनाए गए ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स को भी तबाह कर दिया। इजरायली वायुसेना ने ऐसे दर्जनों ठिकानों की पहले निशानदेही की और फिर उन्हें नष्ट कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में इसराइल की वायुसेना एक एक कर हमास के ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर बारूद बरसाती नजर आई। वायुसेना के विमानों ने खुफिया जानकारी की मदद से आतंकवादी संगठन हमास के दर्जनों आपातकालीन ठिकानों पर ड्रोन हमला किया। ड्रोन छोड़ने के लिए बनाए गए ये ठिकाने गाजा पट्टी के निवासियों के घरों के अंदर और छतों पर बनाए गए थे। इस बीच हमास के आतंकवादियों ने इसराइल के हमलों का जवाब देने के लिए शुक्रवार को जिहाद दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान भी किया। हमास ने शुक्रवार को मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान भी किया, जिसका असर इन तस्वीरों के तौर पर नजर आया। इराकी शिया मुस्लिम नेता मुक्तदा अल सद्र के हजारों समर्थकों ने बगदाद में एक सामूहिक रैली निकाली, शुक्रवार की नमाज के दौरान गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए अपना समर्थन जाहिर किया। वहीं यूरोप के सबसे बड़े मुस्लिम और यहूदी समुदायों के घर यानी फ्रांस में भी फिलिस्तीनी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। पेरिस में फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में रैली निकाली गई, जबकि फ्रांस की सरकार ने ऐसी किसी रैली पर प्रतिबंध लगाया हुआ है,
लिहाजा लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी तरफ हमास के आतंकी तगड़ा पलटवार कर सकते हैं। हमास ने दावा किया है कि उसके लड़ाके 3 घंटे में IDF के गाजा हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर सकते हैं। साथ ही आतंकी संगठन हमास ने पड़ोसी मुस्लिम देशों से मदद मांगते हुए उनसे जंग में उतरने की अपील की है। हालांकि अब तक किसी भी मुस्लिम देश ने खुलकर इस बात का ऐलान नहीं किया है कि वो इसराइल से जंग में हमास का साथ देगा। ईरान हमास का समर्थन तो कर रहा है लेकिन लड़ाई में नहीं उतरा है। लेबनान और सीरिया ने इसराइल पर हमला किया था लेकिन वो भी इसका अंजाम भुगत रहे हैं। इसराइल ने दोनों ही देशों पर तगड़ा पलटवार किया है। लिहाजा अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने इसराइल द्वारा गाजा की घेराबंदी की निंदा की है और साथ ही मांग की है कि गाजा में मानवीय संकट को दूर करने के लिए फौरन मदद पहुंचाई जाए। इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध का आज 7वां दिन है। इन 7 दिनों में दोनों तरफ के हजारों लोग मारे जा चुके हैं जबकि कई हजार लोग घायल हुए हैं। जानकारी की अगर बात करें तो हमास के हमलों में अभी तक 1300 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। वहीं इसराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं जिनमें हमास के आतंकी भी शामिल हैं। हमास के हमलों में 3200 से ज्यादा इजरायली नागरिक घायल हुए हैं जबकि इसराइल के हमले में गाजा पट्टी के 6500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 7 दिनों में हमास ने इसराइल को निशाना बनाते हुए 6000 से ज्यादा रॉकेट दागे जिनमें से ज्यादातर को आयरन डोम ने बेकार कर दिया। वहीं इसराइल ने भी गाजा में 2600 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाते हुए 6000 से ज्यादा बम गिराए हैं। जंग के बीच इसराइल की सूचना मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमास से जारी जंग के बीच इसराइल को बड़ा झटका लगा है। इसराइल की सूचना मंत्री गैलेट डिस्टेल ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। मंत्रालय को कम बजट मिलने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा ऐसे में मंत्रालय को बंद करना ही सही रहेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बाद अब अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इसराइल पहुंचकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। हमास के आतंकियों से लड़ने के लिए अमेरिका ने इसराइल को हथियारों की खेप भेजी है जिसकी वो समीक्षा करेंगे। इसराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल इसराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के समर्थक न्यूयॉर्क में स्थित हैं। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके चलते शहर में तनाव पैदा हो गया है। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में इसराइल के समर्थन में रैली निकाली गई। स्थानीय लोगों ने हमास का विरोध करते हुए बंधकों को जल्द से जल्द छोड़ने की बात कही। गाजा बॉर्डर पर मौजूद जी न्यूज की टीम ने देखा कि रॉकेट हमलों के साथ साथ इसराइल ने जमीन पर भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। एक तरफ उत्तरी गाजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया है तो दूसरी तरफ लगातार टैंकों और सैनिकों की गाजा बॉर्डर पर तैनाती भी बढ़ रही है जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसराइल की सेना आज रात ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है। इसराइल की सेना का ये काफिला जब गाजा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था तो जी न्यूज की टीम वहीं पर मौजूद थी। ये टैंक गाजा पट्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, गाजा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन टैंक से यहाँ पर पूरी तरह से इसराइल की तैयारी है उन इलाकों को ध्वस्त कर देने की जहाँ पर हमास के आतंकियों के ठिकाने हैं। और साथ ही आप देखिए ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये गाजा पट्टी का है और गाजा पट्टी की तरफ ही ये इसराइल के टैंक आपको आगे बढ़ते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इसराइल की सेना के जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गाजा बॉर्डर की तरफ जाते दिखे इनमें मेरकवा टैंक भी शामिल थे। मेरकवा टैंक इसराइली डिफेंस फोर्स का मेन बैटल टैंक है। इसराइल की सेना 1982 के लेबनान युद्ध से लेकर गाजा की जंग में मेरकवा टैंक का इस्तेमाल करती आई है। इन टैंकों को लगातार अपग्रेड किया जाता रहा है। मेरकवा टैंक्स को इसराइल की थल सेना की रीढ़ कहा जाता है। मौजूदा जंग में भी इसराइल के ये टैंक गाजा बॉर्डर पर धूल उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजा बॉर्डर के एक तरफ इसराइल की सेना खड़ी है और दूसरी तरफ है आतंकी संगठन हमास के अड्डे। हालात ये हैं कि इसराइल की सेना की तैयारी किसी भी वक्त हमास पर हमले की शक्ल में बदल सकती है। और इस तनाव के बीच लगातार जी न्यूज की टीम हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। इसराइल ने हमास के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर ली है। जी न्यूज के कैमरे में दिखा कि इजरायली सेना बख्तरबंद व्हीकल से इजरायली सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात कर रही है।
वक्त हमें सूचना मिल रही है कि इसराइल गाजा पट्टी के अंदर अपनी सेना भेज सकता है और फिलहाल गाजा बॉर्डर पर आप देखिए टैंक्स को तैनात किया जा रहा है। रास्ते में हाईवे पर रोककर टैंक आपको आगे बढ़ते हुए इस वक्त दिखाई पड़ेंगे। इसराइली सेना इस टैंक को लेकर इन इलाकों से गाजा बॉर्डर की तरफ आगे जा रही है। मेरकवा टैंकों के अलावा इसराइल की सेना के लिए ये काम आसान बना रहे हैं नामेर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। हिब्रू के नामेर शब्द का अर्थ होता है तेंदुआ और असल में भी ये आर्मर्ड व्हीकल गाजा बॉर्डर की तरफ इसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। इसराइल जानता है कि हमास आसानी से हथियार नहीं डालेगा, इसीलिए इसराइल हमास के रॉकेट और मिसाइल हमले के खतरे को देखते हुए ज्यादातर उन टैंकों और आर्मर्ड व्हीकल्स की तैनाती कर रहा है जो ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस हैं। ट्रॉफी एक खास तरह का मिलिट्री प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम गाड़ियों को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक रॉकेट, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के हमले से बचाता है। अब आपको बता देते हैं कि टैंक में ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम काम कैसे करता है। दरअसल ये मिलिट्री व्हीकल के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना देता है, यानी टैंक में लगा रेडार आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है। साथ ही साथ ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री यानी संभावित रास्ते का रूट भी बना लेता है और मिसाइल का रास्ता पता लगते ही टैंक में लगे रोटेटिंग लॉन्चर से प्रोजेक्टाइल दागी जाती है जो सामने से आ रही मिसाइल को टैंक से टकराने से पहले ही तबाह कर देती है। ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को इसराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी ने ही तैयार किया है। इसराइल में गाजा बॉर्डर के पास की आबोहवा में अब जंग का इरादा साफ महसूस किया जा सकता है। इसराइल में खेतीबाड़ी की जमीन पर इस वक्त टैंकों की गर्जना सुनाई दे रही है और सड़कों पर आम नागरिकों की बजाय सिर्फ सैनिक दिखाई दे रहे हैं। गाजा बॉर्डर के पास एक तिराहे पर खड़ी जी न्यूज की टीम ने जब कैमरा घुमाया तो इसराइल के सैनिक सिर्फ उस रास्ते पर आगे बढ़ते दिखे जो गाजा पट्टी की तरफ जाता है। पूरी तैयारी के साथ ये लोग जा रहे हैं, इनका पूरा सामान इसमें है, हथियारों से लैस हैं और ये पूरा इलाका गाजा पट्टी से सटा हुआ है। तस्वीरें मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं इस वक्त, और काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं इसराइल के जो ये सैनिक हैं। मैं दिखाना चाह रहा हूं इनकी तस्वीरें, बहुत भारी संख्या में इस वक्त इनका मूवमेंट हो रहा है गाजा पट्टी की तरफ। जिस वक्त जी न्यूज की टीम सैन्य तैनाती की खबर आप तक पहुंचा रही थी उसी वक्त वहां इसराइल के कुछ नागरिक हमास के हमले में लापता हुए लोगों के जिंदा होने की आस लगाए हुए सेना की मदद भी कर रहे थे। My friends from law school is lost. We have no idea what's going on with her. We're just looking for her and sending pictures. Where is she? Do you know? What? What's Where is she right now? We don't know. We hope she's in Gaza alive. गाजा पट्टी के पास उड़ती धूल ने बारूदी हमलों से पैदा होने वाले मानवीय संकट को मानो धुंधला कर दिया है। जेरूसलम में इजरायली पुलिस फोर्स पर फायरिंग हुई। इजरायल की राजधानी यरूशलम में हथियार से लैस एक फिलिस्तीनी नागरिक ने पुलिस फोर्स पर फायरिंग की। इस हमले में दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए, वहीं जवाबी फायरिंग में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसराइल पर अंतिम संस्कार के दौरान गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वेस्ट बैंक में शोक सभा का आयोजन किया गया था, तभी इजरायली सेना ने गोलियां चलाई जिसमें दो फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजरायली वायुसेना ने गाजा में लोगों की छतों पर बने ड्रोन लॉन्च पैड्स को नष्ट करने का दावा किया है। इसराइल के मुताबिक हमास के ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स को हवाई हमले में तबाह किया गया। गाजा वॉर जोन में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार की पत्नी ने जंग के मैदान में उनके बच्चे को जन्म दिया। पत्रकार मोहम्मद सलीम गाजा पट्टी से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनकी पत्नी ने पास के अस्पताल में उनके बेटे को जन्म दिया। इसराइल एक तरफ चुन चुन कर हमास के आतंकियों का खात्मा कर रहा है तो दूसरी तरफ वो हर मोर्चे पर आतंकवादियों को मात दे रहा है। इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने 7 अक्टूबर को किए गए एक ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे हथियारों से लैस इजरायली सैनिक जैसे ही हमास के ठिकाने में घुसे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने रणनीति के तहत हमास के ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया और चुन चुन कर आतंकियों को गोली मार दी गई।
ऑपरेशन के दौरान इजरायली सुरक्षा बलों ने 60 से ज्यादा हमास के आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने 26 आतंकियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पकड़े गए आतंकियों में हमास दक्षिणी नौसेना डिवीजन का उप कमांडर मोहम्मद अबू अली भी शामिल था। इस ऑपरेशन को 7 अक्टूबर को गाजा सिक्योरिटी फेंस के नजदीक अंजाम दिया गया। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्सेस के फ्लोटिला 13 एलीट यूनिट को सूफा सैन्य चौकी पर नियंत्रण हासिल करने का टास्क दिया गया था। इसी टास्क को पूरा करने के दौरान सेना के जवानों ने 250 बंधकों को भी सुरक्षित छुड़ाया, जिन्हें हमास के आतंकियों ने सूफा सैन्य चौकी के अंदर बंधक बनाकर रखा था। हमास के आतंकियों के खात्मे के बाद जब इजरायली सुरक्षा बल की फ्लोटिला 13 इलीट यूनिट चौकी के अंदर बने बंकर में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां 250 लोगों को बंधक बनाकर रखा गया था, जिन्हें फ्लोटिला 13 इलीट यूनिट के जवान सुरक्षित अपने साथ ले गए। इजरायली सुरक्षा बल बंधकों को स्ट्रेचर पर ले जाते दिखे। माना जा रहा है कि हमास ने इसी तरह बंकरों और जमीन के नीचे सुरंगों में बंधकों को रखा है। बंधकों के मोबाइल बंद कर दिए गए हैं ताकि इजरायली सेना को उनके लोकेशन का पता न लगे। यही वजह है कि अब इजरायल फोर्स बंधकों को छुड़ाने के लिए जमीनी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस बीच हमास ने दावा किया है कि इजरायल के हवाई हमलों की वजह से अब तक 13 बंधक मारे गए हैं। ये वो बंधक हैं जिन्हें हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी में छुपा कर रखा था। इजरायल अपने इतिहास के सबसे कठिन बंधक संकट से जूझ रहा है। अभी भी कई इजरायली और विदेशी नागरिक हमास के कब्जे में हैं। ऐसे में दबाव बनाने के लिए इजरायल ने हमास पर हमले तेज कर दिए। हमला बढ़ता देख आतंकी संगठन हमास ने इजरायल डिफेंस फोर्स को धमकी दी है। हमास ने कहा है कि अगर इजरायल ने बिना किसी चेतावनी के गाजा पट्टी पर बमबारी जारी रखी तो बंधकों को मार डाला जाएगा। हमास ने इजरायली हवाई हमले में अपने नागरिकों के मारे जाने के बदले एक बंधक को फांसी देने की धमकी दी है। हमास की धमकी के बावजूद इजरायली सेना ने बमबारी जारी रखी है। इस बीच बंधकों की रिहाई की मांग करते हुए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर इजरायली बंधकों की तस्वीरों को लगाया गया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। यूएन मुख्यालय के बाहर संदेश में लिखा गया, इजरायली नागरिकों का अपहरण करना मानवता के खिलाफ अपराध है, सभी बंधक बनाए गए लोगों को वापस करो। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है हमास को खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा पट्टी में जमीनी हमला ही एकमात्र विकल्प है। इजरायल के लिए अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए जमीनी ऑपरेशन चलाना कोई नई बात नहीं है। 27 जून 1976 को एयर फ्रांस के एक विमान ने तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ान भरी थी। विमान में 248 यात्री और चालक दल के 12 सदस्य सवार थे। विमान पहले से निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक एथेंस में थोड़ी देर के लिए ठहरा। इसी दौरान पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फलिस्तीन और जर्मनी के एक वामपंथी कट्टरपंथी समूह के आतंकवादियों ने जहाज का अपहरण कर लिया। आतंकी विमान को युगांडा के एंटेबे ले गए, जहां गैर इजरायली यात्रियों को छोड़ दिया गया, जबकि 94 इजरायली यात्रियों और दर्जन भर चालक दल के सदस्यों को बंधक बनाकर रखा गया। इजरायल ने अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन एंटेबे शुरू किया। ऑपरेशन के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस के 200 कमांडोज को चुना गया। 4 जुलाई 1976 को इजरायली सेना एंटेबे पहुंची। कमान संभाल रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन नेतन्याहू, जो एलीट साइरेट मटकल यूनिट में अधिकारी थे। इजरायली सेना ने ऑपरेशन के दौरान अपने देश के सभी बंधकों को छुड़ा लिया, साथ ही सभी आतंकवादियों और युगांडा के 20 सैनिकों को भी मार गिराया। ऑपरेशन के दौरान जोनाथन नेतन्याहू की मौत हो गई थी। ऑपरेशन के दौरान मरने वाले वो एकमात्र इजरायली सैनिक थे। एयर इंडिया का विशेष विमान जैसे ही नई दिल्ली में उतरा, वैसे ही पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत देखी। जो भारतीय जंग से जूझ रहे इसराइल से लौटे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जैसे ही विमान ने सुबह लैंड किया, इसराइल से लौटे भारतीय खुशी से झूम उठे।
भारतीयों की खुशी उस वक्त और दोगुनी हो गई जब उनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर खुद एयरपोर्ट पर पहुंच गए। राजीव चंद्रशेखर ने सभी लोगों का जोरदार स्वागत किया और फिर उनका हालचाल भी जाना। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसराइल से दिल्ली लौटे भारतीयों से हाथ भी मिलाया और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि सरकार किसी भी हालत में भारतीयों का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। Our government, his government will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely. बताया गया कि इसराइल में करीब 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से 212 लोगों को पहले पड़ाव में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर भारत लाया गया। ऑपरेशन अजय के लिए भारत सरकार ने विशेष चार्टर्ड प्लेन को इस अभियान में लगाया। बताया गया कि जरूरत पड़ने पर नेवी के शिप भी लगाए जा सकते हैं। ऑपरेशन अजय के तहत जो लोग दिल्ली पहुंचे उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। और मौत के मुंह से निकले भारतीयों ने ऑपरेशन अजय की जमकर तारीफ की। कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मौत को मात देकर अपने देश लौट चुके हैं, क्योंकि इसराइल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद जैसा माहौल बना हुआ है वैसा माहौल भारतीयों ने पहले कभी नहीं देखा था। सिचुएशन वाकई खराब है, आप भी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छा लगता है कि आपकी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है और वो अपने सिटीजन को वापस बुला रही है। बताया गया कि भारतीयों को युद्ध वाले क्षेत्र से निकालने के लिए तेल अवीव में स्थित भारतीय एम्बेसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। भारत सरकार का जो एफर्ट लगाया गया है ऑपरेशन अजय के तहत, उसे लेकर कहीं न कहीं एक खुशी की लहर। भारतीय दूतावास के अधिकारी लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं और जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं भारतीयों को इसराइल से निकालकर भारत लाया जा रहा है। भारत लौटे लोग इसराइल में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर परेशान भी दिखे। बीते 5 से 6 दिनों में लोगों ने नरसंहार की जो तस्वीरें देखी उसका डर लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और जब भारतीय दिल्ली लौटे तो उन्होंने वहां के जो हालात बताए वो बेहद ही डराने वाले थे। धमाकों की आवाज के बीच लोगों ने बंकरों में छिपकर कैसे अपनी जान बचाई, ये घटना दिल को दहला देने वाली थी। साइलेंट जैसी बजता तुरंत जाते हैं शेल्टर रूम में और वहाँ पे बैठ जाते हैं। ऐसा लगा कि शायद मोबाइल में मेरा फोन कुछ बज रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुई, बट माय हस्बैंड वाज यूज्ड टू अबाउट ऑल दी साइरन एंड ऑल, सो उन्होंने बोला कि भागो भागो जल्दी बंकर में जाना है, हमें साइरन बज रहा है। तो हम लोग वहाँ पे गए, दैट टाइम मतलब 3 घंटे तक हम लोग बंकर में ही थे। हालांकि लोगों ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की तारीफ भी की और उसे दुनिया का बेहतरीन सुरक्षा कवच बताया। अच्छी चीज ये है कि इसराइल के पास बहुत एक रॉकेट एंटी मिसाइल डिफेंस है जिसका आयरन डोम बोलते हैं, तो वो बहुत सारे मोर देन 95% वो रोक लिए। भारतीय छात्रों ने बताया कि जब इसराइल में हालात ठीक हो जाएंगे तो वापस पढ़ाई के लिए इसराइल जाएंगे। करगिल में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। लद्दाख के करगिल में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए। लोगों ने इसराइल को मासूमों के हत्या का आरोपी बताते हुए हिंसा रोकने की बात कही। तेलंगाना में भी छात्र संगठन फिलिस्तीन का समर्थन करते नजर आए। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर छात्रों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर प्रदर्शन किया। चीन में इजरायली राजनयिक पर चाकू से हुए हमले के बाद भारत में भी इजरायली दूतावास हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के अलावा मुंबई में चबाड़ हाउस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल हमास युद्ध पर बड़ी बात कही है। दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल पर हुए हमास के हमलों का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना ही आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया और आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कही। टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाड़ा, ये बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो वो मानवता के खिलाफ होता है। दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म
दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता है, किसी भी कारण से होता है, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में उन तमाम देशों पर भी निशाना साधा जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकियों का बचाव करते रहे हैं। Z News.